हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाइक्स। माय नेम इज प्रेम पांडे और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश लिटरेचर से चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। इस पर्टिकुलर चैप्टर में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इवलान ग्लैनी लिसंस टू साउंड विदाउट हियरिंग इट और दूसरा पार्ट बिस्मिल्ला खान के बारे में है। तो पहले पार्ट का पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देख लीजिए। ये उसी पर्टिकुलर पार्ट का दूसरा वीडियो है जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, हमने जहां तक छोड़ा हुआ था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इवलान ग्लैनी के इनिशियल लाइफ के बारे में, शुरुआती जिंदगी के बारे में, कि इवलान ग्लैनी बहरी कैसी हुई, ठीक है। फिर उनका जो इंटरेस्ट था म्यूजिक में, अब वो उस करियर को कैसे आगे लेके जाती हैं, हम इस पर्टिकुलर पार्ट में पढ़ेंगे। और ये इवलान ग्लैनी लिसंस टू साउंड विदाउट हियरिंग का लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद हम बिस्मिल्ला खान वाला स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए विजिटर हमारे चैनल पे तो प्लीज हिट द रेड बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज इंटरव्यूइंग टू वॉच इवलान फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इट। उनको देखने वाले लोग ऐसा कहते थे कि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होता था, इवलान बिना सुने हुए अपने सारे काम को एफर्टलेसली कर लेती थी, बिना मेहनत किए, बिना प्रयास किए वो सारे काम को कर लेती थी। इन आर टू आर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। ऑथर कहती है कि हमारे दो घंटे के बातचीत में इवलान ग्लैनी ने कोई एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो वो सुन ना पाई हो। मैन विथ बुशे बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। इवलान कहती हैं कि ऐसे आदमी जिनकी थोड़ा जालीदार दाढ़ियां होती हैं, जिनकी लंबी दाढ़ियां होती हैं, उनसे बात करने में मुझे ट्रबल होती है। परेशानी किस बात की होती है? अब लंबी लंबी दाढ़ियां हैं तो उन्हें होठ को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि जिसकी दाढ़ियां बड़ी होती हैं उसके लिप्स दिखते नहीं है। और ये कहते हुए वो हंसती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। उनका कहना था कि किसी से बात करने के लिए केवल लिप्स को, केवल होठों को पढ़ना या होठों को देखना जरूरी नहीं है। इट्स द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना पड़ता है, स्पेशली द आईज, और खास तौर पर आंखों को देखना पड़ता है बातचीत करने के लिए। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। वो स्कॉटिश लिल्ट का मतलब क्या होता है? लिल्ट मतलब लहजा होता है, एक भाषा होती है, जैसे अ वे ऑफ स्पीकिंग, जैसे वी आर हिंदी, हम हिंदी लिल्ट में बोलते हैं ना, तो वैसे ही वो स्कॉटलैंड से थी इसलिए वो स्कॉटिश लिल्ट में बोलती थी। अब यहां पर कहा गया है कि सी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बहुत ही फर्राटेदार बोलती थी स्कॉटलैंड की भाषा में, स्कॉटलैंड के लहजे में, ठीक है। माय स्पीच इज क्लियर। उनका कहना था कि मैं इतने अच्छे से इसलिए बातचीत कर सकती हूं बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मैं 11 साल तक सुन सकती थी, और जब मैं सुन सकती थी तब मैंने भाषा सीखी थी, इसलिए मैं इतने अच्छे से बोल सकती हूं, सी सेज, उनका ये कहना था। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन ये इस बात का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि 11 साल के बाद उन्होंने नई लैंग्वेज नहीं सीखी थी। उन्होंने फ्रेंच सीखी, उन्होंने बेसिक जापानीज सीखी, और उन्होंने इन लैंग्वेजेस को तब सीखा जब वो बहरी हो चुकी थी। सेवेंथ पैरा, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, वो कहती हैं कि जहां तक संगीत की बात है, जहां तक म्यूजिक की बात है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माय बॉडी। जो संगीत है ना, वो मेरे शरीर में, शरीर के हर हिस्से से प्रवेश करता है, या मेरे शरीर के हर हिस्से से मेरे अंदर आता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, वो कहती हैं कि मेरे चमड़े में जब मैं म्यूजिक को सुनती हूं तो बहुत ही झंझनाहट सी महसूस होती है। टिंगल का मतलब क्या होता है? सेंसेशन, झंझनाहट सी महसूस होती है। माई चिक बोन्स, यहां तक कि मेरे गाल के हड्डियों में भी झंझनाहट महसूस होती है। यहां तक कि मेरे बालों से भी मैं सेंस कर सकती हूं म्यूजिक को, जो म्यूजिक की झंझनाहट है ना, उसको मैं अपने स्किन से, अपने चिक बोन से, यहां तक कि अपने हेयर्स से भी मैं फील कर सकती हूं। व्हेन सी प्लेस द जाइलोफोन, उनका कहना था कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। वो कैसे महसूस कर सकती हैं म्यूजिक को, संगीत को, जो जाइलोफोन से आवाज निकलती थी वो उसको महसूस कर सकती हैं। ये जाइलोफोन यहाँ पे है ना, उनका कहना था कि जो जिस स्टिक से वो जाइलोफोन बजाती थी, उस स्टिक्स से जो वाइब्रेशन उनकी उंगलियों तक आती थी ना, उससे वो म्यूजिक को फील कर पाती थी, ठीक है।
बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, और जहां तक जब वो ड्रम बजाती थी वो ड्रम की तरफ झुक जाया करती थी, सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, और वो आसानी से महसूस कर सकती थी जो ड्रम बजाने की जो गूंज होती है ना। अब आपको नहीं पता रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब इको होता है, गूंज, किसी भी आवाज की गूंज। अब गूंज क्या होता है, अगर हम कहीं कुछ बजाते हैं जैसे झन, तो ये जो न वाली आवाज है ना, इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं इसको, इको, गूंज कहते हैं। तो उनका कहना था कि जब मैं ड्रम बजाती हूं तो मैं ड्रम की तरफ झुक जाती हूं, सी कैन फील द रेजोनेंसेस, वो कहते हैं इसलिए मैं जो ड्रम की गूंज है, जो आवाज की गूंज है, उसको मैं फील कर सकती हूं, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, जो मेरे शरीर में दौड़ने लगती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, और जब वो कभी लकड़ी के तख्ते पर बजाती हैं या कभी लकड़ी के फ्लोर पे जब वो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं, सी रिमूव्स हर शूज, वो अपने जूते को उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशंस पास, ताकि जो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की वाइब्रेशन है, जो कंपन है ना, वो उनके नंगे पैरों से होते हुए उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में आए और वो उसे महसूस कर सकें। एट्थ पैराग्राफ, नॉट सरप्राइजिंगली, और ये बात बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं थी कि इविलान डिलाइट्स हर ऑडियंसेस, जो इविलान के सुनने वाले थे ना, ऑडियंस थी जो इविलान ग्लेनी की, वो बहुत खुश हो जाया करती थी इविलान जब भी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती थी। इन 1991 की बात है, सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में इविलान ग्लेनी को एक अवार्ड दिया गया, एक पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार का नाम था रॉयल फिल हारमोनिक सोसाइटीज प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर, ठीक है, सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट। और इस पुरस्कार को लेने के बाद एक मास्टर परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, जो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बजा सकता है, जैसे इविलान ग्लेनी भी क्या है, परक्यूशनिस्ट है। तो एक मास्टर परक्यूशनिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स ब्लेड, उनका कहना था इविलान ग्लेनी के लिए कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भले ही भगवान ने इविलान ग्लेनी की सुनने की क्षमता ले ली हो, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन भगवान ने इविलान को कुछ बहुत ही बेहतरीन वापस किया है। What we hear, जो आवाज हम सुन सकते हैं, she feels, वो उस चीज को महसूस कर सकती है, far more deeply than any of us, हम जितने गहराई से किसी भी आवाज को सुन सकते हैं या फील कर सकते हैं, उससे कहीं गहराई से इविलान ग्लेनी किसी भी आवाज को फील कर सकती है, महसूस कर सकती है, that is why she expresses music so beautifully, और यही कारण है कि वो संगीत को, म्यूजिक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती थी, लोगों के सामने प्रेजेंट कर पाती थी, दिखा पाती थी, परफॉर्म कर पाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, इविलान कॉन्फेसेस दैट सी समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक, इविलान ने इस बात को माना कि वो एक वर्कहोलिक है, वर्कहोलिक मतलब बहुत ज्यादा काम करने वाली, वर्कहोलिक का मतलब वो होता है ऐसा इंसान जो अपने आप को काम करने से ना रोक पाए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा काम करने वाली व्यक्ति थी ये इविलान ग्लेनी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उनका कहना था कि मैं इतना काम करती थी, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, बहुत ज्यादा कठिन काम करती थी, यहां तक कि जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे भी कड़ी मेहनत इविलान ग्लेनी करती थी। क्लासिकल म्यूजिशियन मतलब जो शास्त्रीय संगीत के लोग होते हैं ना, जैसे हमारे यहां जो सारे गामा वाले लोग हैं ना, जो ये गाते हैं, उनको हम क्लासिकल म्यूजिशियन कहते हैं। तो क्लासिकल म्यूजिशियन से कहीं कठिन काम, कहीं कड़ी मेहनत इविलान ग्लेनी करती थी, बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन उनका कहना है कि इस कड़ी मेहनत के बदले में उन्हें जो कुछ भी मिला है, जो उपलब्धियां मिली हैं, जो नाम मिला है, जो पब्लिसिटी लिए, वो बहुत बड़ी है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, जो वो आमतौर पर जो वो कार्यक्रम किया करती थी, उसके अलावा, उसके अपार्ट, इविलान आल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजंस एंड हॉस्पिटल, इविलान फ्री में दान पुण्य के नाम पर जेल में और हॉस्पिटल में कार्यक्रम किया करती थी, क्योंकि आपको पता है जेल के कैदियों के लिए और हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो संगीत है वो बहुत ही लाभदायक होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है।
सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, ऐसे म्यूजिशियंस जो म्यूजिक को सीखना चाहते हैं उनको वो ज़्यादा तवज्जो देती थी या ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी कि सबसे पहले उनका कार्यक्रम करती थी, उनको क्लासेस देती थी जो नए नए म्यूजिशियंस हैं या जो नया नया म्यूजिक सीखना चाहते हैं। एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन सेज, एन रिचलिंग नाम की एक महिला थी जो कि बेथोवेन फंड से बिलोंग करती थी। बेथोवेन फंड का मतलब क्या है आप जानते हो, फंड वो होता है जो किसी के भले के लिए दिया जाए, तो यहां पर जो डीफ चिल्ड्रेन थे जो बहरे बच्चे थे उनके लिए पैसा देती थी ये जो बेथोवेन फंड थी और उसी की मालकिन थी एन रिचलिन। उनका क्या कहना था इविलान ग्लेनी के लिए, इनका कहना था कि सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन, कि जो इविलान ग्लेनी है ना वो एक चमकती हुई प्रोत्साहना है, एक आइडल है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। बहरे बच्चे इविलान ग्लेनी को देख के ये जान जाते थे, ये सीख जाते थे कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर वो पहुंच ना सके, जहां पर वो जा ना सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 10। इविलान ग्लेनी हैज ऑलरेडी एकम्प्लिस्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। इविलान ग्लेनी ऑलरेडी पहले से ही उन्होंने इतना कुछ पा लिया था जो कि उनके दुगने उम्र वाले भी अब तक नहीं पा सके थे। जितने पुरस्कार उन्हें मिले थे, जितनी पब्लिसिटी उन्हें मिली थी, वो उन्होंने उतना पा लिया था कि उनसे डबल एज वालों ने भी उतनी उपलब्धियां नहीं पाई थी। सी हैज ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। उन्होंने परक्यूशन को, परक्यूशन मतलब हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं जैसे ड्रम्स हो गया हमारा, ज़ाइलोफोन हो गया, ये सब क्या है, ये परक्यूशन है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को ऑर्केस्ट्रा के सामने लेके आए थे। अब आपको पता है जो ड्रम होते हैं, जो ज़ाइलोफोन वाले होते हैं, आपने कभी ऑर्केस्ट्रा देखा होगा तो ऑर्केस्ट्रा में सबसे पीछे रहते हैं ये लोग। तो इस चीज को इविलान ग्लेनी ने आगे लेके आया, मतलब सबसे पहले ज़ाइलोफोन को प्रायोरिटी दी जाती है, फिर ड्रम को प्रायोरिटी दी जाती है, उसके बाद कोई म्यूजिक है तो है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने किया, क्या किया था, उन्होंने परक्यूशन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लेके आई एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड, और दुनिया को दिखा दिया कि दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, कि ऐसा भी किया जा सकता है, हम चेंजेस कर सकते हैं। She has given inspiration to those who are handicapped. इविलान ग्लेनी ने उन लोगों को उत्साह भरा, उन लोगों को उत्साह से भर दिया जो कि हैंडीकैप्ड थे, जो कि फिजिकली डिसेबल थे, मतलब अपंग व्यक्तियों के लिए ये एक आइडल थी, उनको एकदम प्रोत्साहन करने वाली थी ये। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग उन्हें देखते थे और कहते थे कि इफ सी कैन डू इट, अगर ये कर सकती है, एक बहरी लड़की इतना कुछ कर सकती है, आई कैन, मैं भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। एंड नॉट द लिस्ट, और थोड़ा बहुत नहीं, सी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। उन्होंने बहुत बड़ी खुशियां दी थी लाखों लोगों को, क्या किया था उन्होंने, खुश किया था, उनको खुशियां दी थी। मिलियंस का मतलब क्या होता है, एक मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप समझ सकते हो कितने ज्यादा लोग उनसे प्रभावित थे। तो ये सब कुछ था हमारे इस चैप्टर में, डेबोरा कॉली ने इस चैप्टर को लिखा है। ये चैप्टर एक इंस्पिरेशनल स्टोरी थी इविलान ग्लेनी की। जो नेक्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, साउंड ऑफ म्यूजिक का जो पार्ट 2 है, बिस्मिल्ला खान, उस चैप्टर में भी बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी स्टोरी है, उसको भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।